सो हाय गाइस, आदर्श हियर। जेईई मेंस की 30 जनवरी की पेपर आप लोगों की खत्म हो गई कल, यानी कि दो शिफ्ट में आप लोगों का पेपर हुआ। इससे पहले हम लोगों की 27th को पेपर हुई थी, फिर 29th को आप लोगों का पेपर हुआ था, और कल था हम लोगों का 30 तारीख का पेपर। तीनों ही दिन के अगर पेपर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कल का जो पेपर था उनमें से कौन सी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी और कौन सी शिफ्ट कम टफ थी, उसकी बातें हम लोग यहाँ पे अभी कर रहे होंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को सारी कट ऑफ की लिंक और क्वेश्चन पेपर विद आंसर की जो लिंक है उसकी डिस्क्रिप्शन पे लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल की भी लिंक आप लोगों को मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कौन कौन से एग्जामिनेशन अभी आगे आने वाले हैं, टॉप इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, उसकी एक ब्लॉग बनाइए, 50-60 हज़ार लोगों ने देखा है उसको। अगर आपने नहीं देखा अभी तक, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट वन की बात करेंगे, 30 जनवरी की शिफ्ट वन की जो पेपर थी, केमिस्ट्री यहाँ पे आप लोगों को मॉडरेट पूछा गया, फिजिक्स यहाँ पे मॉडरेट पूछा गया। अभी से अगर पिछले पेपर में जहाँ तक की भी पेपर अगर आप उठा के देखेंगे, उसमें जो फिजिक्स जो आप लोगों की पूछी जा रही थी वो या तो इजी पूछी जा रही थी या फिर इजी टू मॉडरेट पूछी जा रही थी। लेकिन यहाँ पे कल का जो शिफ्ट हुआ, कल के शिफ्ट में थोड़ा सा फेरबदल देखने को मिला। फिजिक्स का पेपर यहाँ पे आप लोगों को मॉडरेट पूछा गया, और जो हम लोग की मैथ्स थी वो मैथ्स को मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लेवल पे आप लोग रखेंगे। केमिस्ट्री के मॉडरेट क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मैथमेटिक्स यहाँ पे डिफिकल्ट कर दिया गया था। मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट भी नहीं, डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे। इससे आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि शिफ्ट वन और शिफ्ट टू में ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस किससे पूछे गए। कुछ बच्चों का स्पेकुलेशन है कि भैया कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे हैं जो कि डिलीटेड सिलेबस से पूछे गए। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है, फॉर एग्जांपल जो आपको लगेगा कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, वो हो सकता है कि कोई ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चंस, ब्लॉक वाले चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ दिए गए, या फिर जो आपको लगेगा कि पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है वो कभी कभी केमिकल बॉन्डिंग से सॉल्व हो जाता है। और भी बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर से भी लिंक खा रहे होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्पेकुलेशन की डिलीटेड चैप्टर से क्वेश्चंस पूछ दिए गए थे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज्यादा थे, तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा प्रूफ हो जाता है तो आप लोगों को बोनस मार्क्स सारे बच्चों को मिल जाएगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आता है कि कट ऑफ आप लोगों की क्या हो सकती है। तो कट ऑफ जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ये कट ऑफ जनरली क्या होता है कि मार्क्स के हिसाब से मैं आप लोगों को कट ऑफ बताऊंगा। अब जो आप लोगों की जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो परसेंटाइल के हिसाब से बनेगी, लेकिन वो कब डिसाइड होगा, जब सारा पेपर हो जाएगा तब। तो फिलहाल के लिए अगर आप मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ की बात करें, तो 30 जनवरी के लिए शिफ्ट और वन और शिफ्ट टू दोनों की यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को बताई है। जैसे कि अगर आप शिफ्ट वन में देखेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 78 से लेकर 80 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप स्टूडेंट हैं तो लेके आएंगे तो हो जाएगा। अब इसमें आप लोग प्लस माइनस 2 कर दीजिएगा, इसका मतलब अगर मैंने 78 कहा है, हो सकता है कि आपका कट ऑफ 76 या 75 भी हो जाए, या फिर हो सकता है कि 82 भी हो जाए, तो 2-4 मार्क्स आगे पीछे हो सकती है। वहीं अगर आप सेकेंड शिफ्ट में देखेंगे तो सेकेंड शिफ्ट में कम नंबर ला के भी आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। जैसे कि शिफ्ट टू में अगर आपके 77 से 78 के बीच में मार्क्स रहता है तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली SC ST OBC के लिए सबकी कट ऑफ मैंने यहाँ पे सामने डिस्प्ले किया आप लोगों को, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। तो ये था कल का हम लोगों का एक ओवरऑल एनालिसिस। और पेपर, कोई भी पेपर से अगर, जैसे कि 2023 की अगर मैं बात करूँ, कुछ शिफ्ट्स की वहाँ पे जब मैंने एनालिसिस की थी, कुछ शिफ्ट्स वहाँ पे रिलेटिवली क्या था, एकदम इजी पूछ दिया जा रहा था, और कुछ शिफ्ट एकदम डिफिकल्ट पूछ दिया जा रहा था। इस बार वैसा नहीं हो रहा है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा इजी शिफ्ट पूछ दिया गया तो जिन बच्चों की प्रिपरेशन थोड़ी हल्की भी है वो भी अच्छे मार्क्स लेके आ जाएंगे, और जिन बच्चों ने थोड़ा ढंग से ही प्रिपरेशन किया है वो तो उतने मार्क्स लाएंगे, तो उनको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटाइल कट ऑफ आप लोगों के लिए बहुत हाई चले जाती है, मार्क्स कट ऑफ आप लोगों का हाई चला जाता है। तो अभी तक जितने भी शिफ्ट पूछे गए हैं वो सारे मॉडरेट टाइप के शिफ्ट आपके आए हैं, सारे ही शिफ्ट। अभी तक कोई भी ऐसा बहुत आसान और बहुत डिफिकल्ट नहीं आया है, तो भगवान करे कि आगे की भी शिफ्ट ऐसे ही हो, जिनकी अगली एग्जामिनेशन अभी आज या कल में जो एग्जामिनेशन होने वाली है, होप करता हूँ कि सबकी एग्जामिनेशन अच्छी जाए। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स, हमारी एप्लीकेशन, कॉलेज प्रिडिक्टर की लिंक, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, व्हाट्सएप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, और इंपॉर्टेंट लिंक्स की भी, और भी इंपॉर्टेंट जो ब्लॉग हैं या फिर वीडियोज़ हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगा और आपके हिसाब से पेपर कैसा था। तब तक के लिए